स्थिर सुखम आसनम, आसन का भाव बताया कि स्थिर सुख की प्राप्ति आसन के द्वारा होती है, इसलिए आसन लगाने का भी अभ्यास करना चाहिए। पहले दिन आप बैठेंगे थोड़ा पैरों में दर्द होगा आसन लगाने में, तो दूसरे दिन 10 मिनट बैठ जाइए, तीसरे दिन 15 मिनट बैठ जाइए, चौथे दिन 20 मिनट 25 मिनट, इस प्रकार आसन का अभ्यास हो जाएगा। भगवान की आराधना करते हुए प्रभु का स्मरण करना चाहिए और भगवान से प्रार्थना करनी चाहिए कि हे ठाकुर जी आप हमारे घर पर कभी जरूर और हमारे घर का उद्धार कीजिए। मनुष्य का जीवन मिला है, भक्ति अवश्य करनी चाहिए, क्योंकि हरिर्णाई प्रभु का जो नाम है वो प्रभु का नाम ही इस जीव का कल्याण करता है, अन्य कोई साधन नहीं है जो कि भगवान के नाम के बिना जीव का उद्धार नहीं हो सकता है। माने कहा कि ये बताओ देव जी भक्ति कितने प्रकार की है, भक्ति के बारे में बताया तो कहा श्रवण कीर्तन विष्णु स्मरण पाद सेवन अर्चनम वंदनम भक्ति बताई कि श्रवण भगवान के नाम की कथा सुने, भगवान का कीर्तन सुने, श्रवण भगवान का सत्संग सुने, कीर्तनम भगवान के नाम का कीर्तन करे, श्रवण कीर्तनम विष्णु स्मरण भगवान का स्मरण करे, पाद से भगवान के चरण कमलों की पूजा करे, वंदनम अर्चनम अर्चना करे, वंदना करे, और सख्य सखा मित्र बनकर भी भगवान के साथ रहे, दास बनकर के भगवान के साथ रहे, सेवा करे दास बनकर के, और आत्मनिवेदन आत्मा का निवेदन करे, आत्मा का निवेदन किसने किया मालूम है आपको, आत्मा का निवेदन किया राजमुनि ने, आत्मा संतने कर प्रेम पूर्वक श्रवण करना चाहिए, एकाग्रचित चौथी भगवती मम मेरा जो नाम है उस नाम की महिमा का श्रवण करना चाहिए, जो गुरु महाराज ने मंत्र दिया है उस मंत्र का जाप एकाग्रचित होकर के, और एक माला दो माला पांच माला सात ग्यारह जितना इक्कीस अधिक हो जाए उतना ही कम है, क्योंकि शास्त्र में लिखा हुआ है ध्यान मूलम गुरु मूर्ति पूजा मूलम गुरु पदार्थ,
गुरु महाराज का स्मरण करना चाहिए, ध्यान करना चाहिए और गुरु महाराज का जो आदेश हो उस आदेश के अनुसार उस मार्ग पर चलना चाहिए। मोक्ष मूलम गुरु कृपा, जब गुरु जी की कृपा हो जाती है तो भक्त का जीव का उद्धार हो जाता है। यदि छतदमशील विरति बहु कर्मा, इंद्रियों का दमन करते हुए संयम नियम वैराग्य को धारण करते हुए हमेशा परमात्मा का चिंतन करें। सातवां, सातम सन्मय होए जग पूर्वक धारण करना चाहिए एवं सपने नहीं देखे पर दोषा स्वप्न में भी दूसरे के दोषों का विचार नहीं करे कि कौन व्यक्ति क्या कर रहा है, जो जैसा कर रहा है उसको करने दो, यदि मानता है समझा दो, नहीं मानता है तो कर्म का फल उसे अवश्य प्राप्त होगा। अवश्य नीव भोक्तव्यम याप कर्म शुभाशुभम, शुभ और अशुभ कर्म का फल जीव को प्राणी को अवश्य भोगना पड़ता है। आठ, वृथा लाभ संतोषा, सपने वो नहीं देखे पर दोषा, स्वप्न में भी दूसरे के अवगुणों को नहीं देखना चाहिए कि क्या संसार चल रहा है। इसलिए नौवें प्रकार की भक्ति का वर्णन किया कि जो भक्ति है वो सरल स्वभाव रखते हुए और राग द्वेष ईर्ष्या आदि को त्यागते हुए भगवान का आश्रय लेकर के गोविंद भगवान के चरणों का सहारा लेकर के और अपने जीवन को यापन करना चाहिए, शांति पूर्वक निकलना चाहिए, हमेशा प्रसन्न रहकर के और हस्त रहते हुए। बड़ी आश्चर्य की बात है, ससुर जी इस बात को अपनी बैठक में से सुन रहे थे कि इस बहू ने तो अच्छा किया, सब चौपट कर दिया, हमारे घर में क्या कमी है बताओ, संत गिरी का बेटा दे दो, ताजा भोजन नहीं नहीं महाराज, संत गिरी चले गए। पुत्र की पत्नी घर आ गई आंगन में आकर के और ससुर साहब ने अपनी गर्भवती को बुलाया, पूछा कि भाई ये बताओ कि हमारे घर ताजा भोजन भोजन ना बनता है और ये बहू ने कैसे दे दिया कि ताजा भोजन नहीं, यहाँ तो बासा भोजन नहीं हो रहा है। सास गई, सास ने जाकर के पूछा बेटी ये बताओ कि भोजन भोजन ताजा बन रहा है और तुमने ये कैसे कह दिया संत जी से कि यहाँ तो सब बासा भोजन कर रहे हैं। लड़के की बहू ने कहा माता जी मैंने सही कहा। कैसे बेटा? मैंने इसलिए सही कहा कि मुझे 10 वर्ष हो गए इस घर में आए हुए, आपने कभी भी जो है किसी के लिए कोई भी दान नहीं किया, और न पिताजी ने दान किया, न आपने दान किया, न मेरे द्वारा कराया, मैं मेरे पति देवव्रत द्वारा कराया, और ये माता जी मैं तो देख रही हूँ कि पहले जो आप करके आए हैं या पिताजी ने किया है उन जो वासा आप पहले दिन में जो दान किया है उस वासे को ही हम सब लोग खा रहे हैं। इस जन्म के अंदर तो मैंने इस घर में नहीं देखा,
आपने पसंद किया हो। मम्मी को भी जाना गया। मम्मी ने कहा कि वास्तव में बेटा बिल्कुल सत्य बात है, हमने जो है इस जन्म में कुछ नहीं किया। बड़ी वृंदावन यारी दान करे से धन बड़े और बड़े मान सम्मान।